प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर ट्विटर पर बधाई देने वाले लोगों को जवाब दिया। उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लिखा है, वह एक बेहतरीन पेरेंट्स साबित होंगे। कंगना रनौत और करण जौहर को भी धन्यवाद कहा। राहुल गांधी ने सरकार को कोरोना महामारी को लेकर घेरा। उन्होंने सरकार पर हेल्थ वर्कर्स के अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार थाली बजाने दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कृषि से संबंधित बिलों को लेकर देश में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर मौन अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन बिलों का विरोध जताया है। अखिलेश ने उन्हें शोषणकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा, ये बिल किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बना देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने संसद की ओर से पारित किसान बिलों के विरोध में 2 घंटे का मौन व्रत भी रखा। हरीश रावत ने कहा, बहुमत के सहारे सरकार किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। एनसीबी ने मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर 5 लोगों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में बड़े मात्रा में ड्रग बरामद हुए हैं। इन 5ों से पूछताछ में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम का खुलासा हो सकता है। शिरोमणि अकाली दल की नेता फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया। खेती से जुड़े 3 विधायकों के खिलाफ पंजाब के किसानों का गुस्सा देखते हुए बादल ने इस्तीफा दिया था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,12,686 हो गई है। वही 41,09,888 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 84,404 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में हाईवे के पास सेना ने 52 किलो विस्फोटक बरामद किया है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों की मदद से आतंकी सेना पर पुलवामा जैसे हमले की साजिश रचने की फिराक में थे।